अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इलाफ बाकी कहाँ पे है? सर सो रहे सर, जैफा का नेट नहीं चल रहा। तो 11 बज गया, अब तोड़ जाना चाहिए। जैफा का अपना नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल का नेट नहीं चल रहा? नहीं लाफ, सर उनका मोबाइल तो नहीं चल रहा शायद। अपना चल रहा है उसका। अब बाज दफा अपना नेट नहीं चलता ना, नींद आ रही होती है। सर मैं उनसे एक दफा पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज किस किस की प्रेजेंटेशन है? सर ग्रुप डी की दारिया ग्रुप डी के मेंबर्स कौन है? फजल, मारिया इफ्तखार, मारिया कलीम, हफ्सा इफ्तखार और मुसैदा महालिका। अच्छा, दो आई हैं इसके अंदर। बाकी लोग आ रहे हैं। मारिया आपके साथ कौन है? हफ्सा इफ्तखार है, लारे में नारेब है और और सैयदा मालिका। मालिका। मालिका ऑनलाइन होती है ना वैसे तो? यस सर। सर हाँ जी बोले। उनका सर व्हाट्सएप चल रहा है, उनका नेट नहीं चल रहा है, वो बोल रहे हैं। चले, अच्छा ठीक है। बाकी दो पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे हैं? सर हफ्सा आ रही हैं, लारे मालिका से पूछ रहे। 1 मिनट सर, एक बात बताएं बोले। सर। अभी आपने फाइनल्स के लिए हमें रिग्रेशन पढ़ाया है और उसके अलावा जो है कोरिलेशन आप समझा रहे थे हमें उस पे करना मेरी टैब पे, मगर वो तो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो मैं ये लेक्चर्स के बाद एक एक लेक्चर लूँगा ना, उसके अंदर पूरा मिनी टैप समझा दूंगा कि मिनी टैप कैसे होता है। तो और सर जैसे फिर आपने रिग्रेशन की थ्योरी पढ़ाई, जो थ्योरी टाइप पढ़ाया है, इस तरह का और भी है फाइनल के लिए? नहीं, और क्या पढ़ाऊँ मैं आपको? पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। स्टूडेंट टी टेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है, और इसके अंदर जो है तो वो सर मतलब आप थ्योरी पढ़ा देना, मतलब मिनी टाइप वाला तो समझने में इतना टाइम लग जाएगा। उसमें इतना मुश्किल तो नहीं है। जो आपने चीजें पढ़ी हुई है बेसिक बेसिक उसकी सर प्रेक्टिस। हाँ, मतलब वो जो डाउनलोड ही नहीं हो रहा ना, पहली बात तो ये, फिर उसमें डाउनलोड करने में इतने मसले हैं। प्रॉब्लम ठीक है, वो डाउनलोड एक आध का नहीं हुआ मेरे ख्याल में, सबने तो डाउनलोड कर लिया था। दूसरी बात ये, कुछ नहीं सर, प्रैक्टिकल काफी बच्चों का नहीं हुआ था, मेरा भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ किसका? यूसरा? जी सर। तो आपने बाकी बाकियों से पूछना था ना कनेक्शन में। देखें, कुछ ऐसा होता कि सबका ही ना होता तो प्रॉब्लम होती, ऐसा होता कि सबका हो जाता तो प्रॉब्लम होती। सर मतलब तकरीबन बच्चों का नहीं हुआ है, और ये चीज ऐसी है कि सर ऑनलाइन समझने में मसला हो रहा है। जैसे आपने रिग्रेशन पढ़ाया है ना, ये समझ आ रहा है, तो मतलब इस तरह के अगर आप फाइनेंस के टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमारा ये होगा कि थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ये एप्लीकेशन मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसको कैसे अप्लाई करना तो सर ऑनलाइन कैसे समझ आएगा, आप कुछ सोचें। है, ये एक तो कुछ इतनी एक प्रॉब्लम है ना, आप क्या करें बताएं। तो सर आप जैसे रिग्रेशन की थ्योरी पढ़ाई है ना, उसी तरह थ्योरी पढ़ा दें, थोड़े दो तीन टॉपिक्स और करवा दें इस तरह के फाइनल्स के लिए। में फिर टी टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट है, वो एकदम पढ़ाऊंगा ना। फिर आप लोग कहोगे सर ये एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। ये तो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, तो हम उसको ऑनलाइन जस्ट एक, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे प्रैक्टिकली कुछ इसका मैं आपका वो लूंगा। मैं एक सिर्फ लर्निंग दे रहा हूँ कि आपको, कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसका डाटा एंट्री कैसे करते हैं और उससे रिजल्ट्स, वही रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं जो आपने फॉर्मूले पुट करके निकाला था। तो सर मतलब पेपर में तो आएगा ना फिर? पेपर तो इन्हीं क्वेश्चन पे आएगा जो मैंने आपको दिए हुए, और तो कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको।
आपने अभी रिग्रेशन पढ़ाया है और रिग्रेशन कोरिलेशन तो को आएगा। अप्लाई करना मिनी टैप पे अप्लाई करना सिखा रहे थे आप, मगर वो कंप्लीट हो नहीं पाया था। हाँ तो हाँ मैं कह रही हूँ कि अगर वो पेपर में आप देंगे तो हम पेपर किस में तरह कैसे, देखो करेंगे, मिनी टैब में पेपर में कैसे दूंगा, वही तो समझ नहीं आ रहा सर। बात यही है ना कि मैं तो मिनी टैब मतलब आप पेपर में तो फाइनल नहीं दे में, सकता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सीख जाए आप लोग, ताकि आपको आगे कहीं सॉफ्टवेयर यूज करना पड़े अच्छा तो तो कौन फिर, सा। अच्छा तो सर आप फाइनल में हमें सिर्फ रिग्रेशन देंगे नहीं पिछले टॉपिक्स भी तो हैं फिर, मतलब मिड टर्म वाले पहले टॉपिक, वाले, हाँ मिड टर्म से मिड टर्म पहले वाले वाले मैं टॉपिक, उनको घुमा फिरा के दे सकता मतलब हूँ। मतलब वही सर, सर और आपने, कोरिलेशन, मीन मीडियन, ये सब सर। मीन मीडियन, सर आपने, हाँ बोले, सर आपने जो अभी लास्ट टाइम रिग्रेशन वाला टॉपिक करवाया था, आप कह रहे थे कि आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, तो आप कब मैं आपको, करवाएंगे? मैंने कहा था कंटिन्यू नहीं कराऊंगा, मैंने ये कहा था कि मैं इसका एक क्विज बना के दूंगा, उस क्विज को हाँ सर आपको आप सॉल्व करना है, मैंने ये तो नहीं कहा मैं सर कंटिन्यू दे दें। कराऊंगा। ठीक है मैं क्विज दूंगा, आपने क्विज सॉल्व करना है फॉर 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 डिफरेंट टाइम पीरियड। अच्छा बाकी जो है ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी जो थी वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थी, जो मैंने आपको काफ़ी सारी कवर कराई थी, आपको याद होगा, उसमें बहुत कुछ हमने जी पढ़ा था, सर, उसमें डाटा भी कलेक्शन की थी, और फिर हमने उसकी सब टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, एक एक चीज़ हमने पढ़ी थी उसके अंदर। अच्छा इसमें जो है जी ना सर, वो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलर इन, आप इस सब्जेक्ट जो थीम है इस, ये 2+1 यूं ही रखा गया है ये। अच्छा मुझे नहीं पता वो अब्दुल बासित साहब ने आपको प्रैक्टिकल के हवाले से क्या क्या कराया है, क्या कोई उन्होंने प्रैक्टिकल की क्लास भी ली है, यानी जैसे ऑनलाइन सर हो। उन्होंने LMS पे अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल्स के, मतलब वीडियो बना बना के ठीक है एक टाइम तक अपलोड की थी, उसके बाद उन्होंने मतलब से मिड से पहले तक अपलोड की थी, ठीक उसके है, बाद उन्होंने दोबारा कोई वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आपका कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं हुआ, ऑनलाइन तो सेशन नहीं हुआ सर, ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन लेक्चर्स नहीं। आए। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, हो सकता है हमसे अच्छे मिल जी जाएं, इंडियंस के बहुत अच्छे सारे लेक्चर मिल जाएं, या आपको जो है वो इंग्लिश साइड के बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। बात ये है कि लर्निंग कैसे हुई है, आपने इस टॉपिक से सीखा क्या है, असल अगर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन है तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आना चाहिए। बाकी जो जी स्टैटिस्टिक्स अगर मजीद मेरे ख्याल में आएगी, नहीं आएगी मुझे नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी आप खुद भी कहीं से पढ़ के कर लेंगे, फर्ज के मैं टी टेस्ट कहता हूँ या मैं प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग कहता हूँ, ये तो आप शायद पहले पढ़ा भी होगा आपने कभी इंटर मैट्रिक में, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कैसे सर, करना है नहीं पढ़ा कभी भी, नहीं सर, बायो वाले हैं। बायो वाले हैं। अब ये है ना चक्कर, तो वो फिर उसकी एप्लीकेशन आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपके पास एक डाटा आया, डाटा डाटा कलेक्ट कर लिया आपने, उसका सब कुछ निकाल लिया, सारा जी आपने जी प्रोसीजर कर लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको एक्सेल शीट के अंदर कैसे जनरेट करना है, एक्सेल शीट में जनरेट नहीं हो रहा तो आप उसको सॉफ्टवेयर लगा के कैसे जनरेट करेंगे। अच्छा जॉब जो आपको मिलती हैं वो आपको थ्योरी पे नहीं मिलती, याद रखिएगा, जी सर, थ्योरी का नॉलेज है आपके पास, हाँ भाई नॉलेज है ठीक है, जिस बंदे को रख लो, नहीं वो आपसे कहते हैं प्रैक्टिकली आप हमारे लिए क्या काम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर्स, और थ्योरी पढ़ पढ़ के बंदा थक जाता है, मैं तो थक जाता हूँ, आप लोग पता नहीं कहते हैं थ्योरी दो में। सर हम लोग भी थक गए हैं, मगर जो है ऑनलाइन बताए ना आप, ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा हमें मिनी टैप वगैरह, ऑनलाइन मिनी टैब तो मैंने आप आपको कहा था, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपस में एक दूसरे से राबता करके जिसका इंस्टॉल हुआ है कम से कम उससे पूछ लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत, मेहनत नहीं करते ना आप, थोड़ी सी सर मेहनत करते हैं कर सर, क्या पता आपको। थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग अपने कोलीग से पूछ लें, हाँ भाई आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है इसमें क्या चीज़ प्रोसीजर्स थी। देखिए पूछा जाता है, जो हम भी क्लास के अंदर जब मैं छोटा था तो क्लास का जो अच्छा लड़का था ना, हमें उसकी मिन्नतें करनी पड़ती थी, यार ये बता दो तुम्हें ये कैसे हुआ है, तो आपने काम निकलवाना है तो उस लिहाज से आपको बाज़ औक़ात, अब देखें फर्ज किया जॉब लगी, जॉब की रिक्वायरमेंट आ गई आपकी, तो भी तो आप पूछेंगे ना, आप टीचर से नहीं पूछेंगे, आप अपने कोलीग से पूछेंगे, या आपको जॉब करनी है, एक आपका दोस्त जॉब पे लग गया है, आप उसे कहते हैं यार मेरी भी जॉब लगवा दो, तो भी तो आप उससे पूछेंगे, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। मैं ये चाह रहा था कि कुछ आपकी लर्निंग हो जाए रिगार्डिंग, अच्छा सर, तो आप लर्निंग करवा दें हमारी, मगर पेपर में फिर जो आप वही देंगी ना पेपर, देखिए रिग्रेशन, और वो पेपर पेपर मिड टर्म से पेपर पहले। इज जस्ट, याद रखिएगा इम्तिहान आपका एक टेस्ट होता है कि आपने जो पढ़ा था उस पे आपको कितनी ग्रिप हो गई, मेरे ख्याल में जो आप तक पढ़ चुके हैं ना वो आपके लिए ऐसा
पानी हो गया है कि वो मुझे नहीं लगता आप कभी इन 7-8 जो 10-15 टॉपिक आपने पिछले सेमेस्टर में या इस सेमेस्टर में रिवाइज किए वो आपको कभी भूलेंगे, ठीक है, वो आपको तकरीबन हिफ्ज हो चुके हैं, उसके फॉर्मूले तक हिफ्ज हो गए, तो इंशाल्लाह आप कभी मार नहीं खाएंगे। अच्छा, फिर लॉकडाउन की सिचुएशन में एक सिचुएशन ये भी हुई कि जो टॉपिक्स मैंने मजीद आपको उसमें कवर कराने थे, मतलब ये बोर्ड पे ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन को, रिग्रेशन तो चलो प्रेजेंटेशन पे मौजूद थी, लेकिन अगर मैं बाकी टिपिकल टॉपिक्स आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे सर हमें प्रैक्टिकल करवा दें, वो ज्यादा अच्छा है, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टी टेस्ट जो है वो आपका वो हैंड रिटन होगा तो फिर मैं उस तरह समझा सकूंगा, ठीक है। तो सर आप छोड़ देना, आप कह रहे हैं कि मुश्किल है वो, फिर वही तो बात है ना, अगर मैं वो कराना शुरू करूंगा सर आप, तो एक वो मुझे मिसाल याद आ गई कि एक ना एक बंदे को लेके आए तो पुलिस वाले कहने लगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ मुझे कि एक बंदे को ना पुलिस वाले लेके आए, उसने कहा भाई तुम जो है ना तुम्हारे ऊपर ये साबित हुआ है, अब तुम बताओ तुम 100 प्याज खाओगे या 100 डंडे खाओगे। उसने कहा कि भाई मैं ना डंडे खाना तो बहुत मुश्किल है और भी पुलिस वालों के, मैं ऐसा करता हूँ प्याज खा लेता हूँ। अब उसने 10 प्याज खाई, प्याज कहाँ खाई जाती है, तो उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने कहा नहीं भाई यार मैं डंडे खाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा ले जाओ भी उसको डंडे खिलाओ, 10 डंडे मारे तो वो 10 डंडे खा के नहीं नहीं मैं प्याज खाऊंगा, इस तरह करते करते उसने 10 प्याज 10 डंडे करके ना उसने दोनों ही खा लिए। तो ये ना प्रैक्टिकल भी आप करो और साथ में आपको सॉफ्टवेयर भी हमें सॉफ्टवेयर पढ़ाए तो आप ये भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो, खैर फायदा है उसमें, इश्यू नहीं है। तो लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, शुरू में लॉकडाउन की सबसे बड़ी बात यही है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक दफा एक सेशन लेके ना पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे पास 3-4 लेक्चर्स और पड़े हुए हैं मेरे पास। आप ही चाह रहे हैं कि आप एक सेशन लेके हमें मिनी टैब, मैं चाह रहा हूँ एक सेशन लेके मिनी टैब जो है ना वो उस पे आपको एक प्रैक्टिकली मैं दिखा दूं कि डाटा यूं जनरेट करते हैं, डाटा को यूं कंपाइल करते हैं, इस तरह उठाते हैं, लेकिन वो भी एक सेशन की, एक सेशन का काम नहीं, वो भी 2-3 सेशन लगेंगे, लेकिन उसके लिए आप सबके पास ना कम अज कम मिनी टैब इंस्टॉल होना चाहिए। तो कोशिश करें, सर, वो तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, सर आप उसकी वजह क्या है ये तो नहीं, आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताया था मैंने आपको, उस वक्त आपने कहा हो गया, अक्सरों ने कहा था, सर जहाँ तक मेरा ख्याल है तकरीबन बच्चों का नहीं हुआ था। अच्छा, पता नहीं शायद। अच्छा चले मैं एक सेशन मिनी टैप पे करा दूंगा, तो उस सेशन के अंदर वो रिजल्ट जो हमने वहां से निकाले थे हम उसको कंपेयर। अच्छा एक चीज मैंने और डिस्कस करनी थी, हमने एक डाटा इकट्ठा किया था लीफ का, याद होगा आपको, लीफ का डाटा पे सारा काम किया हमेशा, हमेशा उसी डाटा को उठा के हमने स्टैंडर्ड रख के उस पे काम किया है। तो उस डाटा को अगर हम मिनी टैब में, अगर कोई मुझे वो डाटा शेयर कर दे अपना मुख्तलिफ लीव्स का, यानी किसी ने अगर वो नीम के पत्ते नहीं है और दूसरे ग्रुप ने जो है वो मुख्तलिफ प्लांट्स थे ना उसके पत्ते इकट्ठे कर, किसी का साइज छोटा था किसी का साइज बड़ा था, तो उनको मैं डिफरेंट उसमें रख के उससे हम जो है वो मिनी टैब इस्तेमाल करके डिफरेंट कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप आपको मुझे ना मुझे कुछ डाटा देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, सही है सर, सॉफ्ट में यानी एक्सेल की शीट में बना हुआ, ओके सर, ठीक है। तो ये अगर आप मुझे भेज दें तो कल मैं आपको एक सेशन करा दूंगा उस हवाले से, वो इतना मुश्किल नहीं है, हम कंपेयर कर लेंगे, जो आंसर आपने फॉर्मूलों से निकाले थे वही आंसर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर को देना चाहिए। कनीस फातिमा शो हो रही है। अच्छा जी स्टार्ट करें, yes. कौन सा ग्रुप था, ग्रुप डी, जी ग्रुप डी, ग्रुप डी के बच्चे कहाँ पे, अच्छा ये सारे आए हुए या खाली ऑनलाइन हुए, लारेब अहमद हसन आ गए सर, आमना आ गए, इलाफ हुमायूं, हुमायूं अब ये वो अच्छा चलो जी सर मैं हूँ, अच्छा हुमायूं, अच्छा और कुलसुम सर मैं भी हूँ, प्रेजेंट सर, मलिहा भी आई हुई है, नमरा भी आई हुई है, कनीस फातिमा भी है, समीन असलम भी है। अच्छा स्टार्ट कर दें, आज टॉपिक क्या है आप लोगों का, और
टॉपिक वैसे मुझे कुछ नए भी देने चाहिए थे आप लोगों को, ये मुझे अफसोस हो रहा है वैसे। सर तो हमारा नया ये है कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी पे कैसे अप्लाई करते हैं। नया कहाँ है, पुराना टॉपिक है तो बहुत। हाँ एक तरह से। किसको होस्ट बना दूं? सर लारे फजल को। लारे फजल को। रिग्रेशन तो समझ में आ गया था आप लोगों को? स्क्रीन शो जी सर आ गया। नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो जब तक आप लोग ये लैपटॉप लेके नहीं बैठेंगे ना यस सर, तब तक काम नहीं होगा। अब तो ये मोबाइल फोन ने ना सारा काम खराब किया है। खाते हैं उसी में हो रही है हुई थी ना, हुई थी फिर गायब हो गई। एक मिनट सर। चलें अरे इसको पूरा कर दे। ओ साहब मुझे बता दीजिएगा जब स्लाइड चेंज करनी होगी। अभी फर्स्ट स्लाइड पे रखें। फर्स्ट को पूरा वो कर दीजिए ना। अगर इसको ऊपर से प्ले कर लीजिए तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको आप मेरे ख्याल में रोटेट करेंगे ना तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। रोटेट के ऑप्शन में जाके सेटिंग में हाँ इसको सीधा करें। सही है। हफ्सा आप स्टार्ट करिए, मैं स्टार्ट करूं? नहीं आप स्टार्टिंग पे ला दीजिए, मैं स्टार्ट करूं। ओके स्टार्ट कर दो। जी कर दें। Assalamualaikum. My name is Hafsa Iftikhar and my teammates are Maria Kaleem, Larif Fazal and Sayyida Malik. Today the topic of our presentation is application of statistics in food science and technology. Next. Is presentation mein aap learn karenge about statistics, food science and technology, application or methods of application. Next. स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो डील करती है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स या डेटा को। नेक्स्ट, फूड साइंस बेसिकली एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जो डील करती है फूड के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेकअप, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, ये सब भी इसी के अंडर लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ statistics in food science and technology. Statistics को जो है हम food industry में different aspects से apply कर सकते हैं। For example, in food processing industry,
रॉ मटेरियल से जो फूड प्रोसेसिंग में होता है वो रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट की डेवलपमेंट तक जो है स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट स्टेप्स में अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम जो रॉ मटेरियल को का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास जो है स्टैटिस्टिक्स यूज. नेक्स्ट इज सेंसरी क्वालिटी. सेंसरी क्वालिटी बेसिकली फूड का अपीयरेंस, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट को जो है को कहते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास रू अफजा जो कि स्क्वॉश फॉर्म में आता है और एक जो कार्बोनेटेड बेवरेज के फॉर्म में आता है. तो इन दोनों की कंज्यूमर डिमांड को चेक करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं. देन क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली स्टार्ट ही एंड प्रोडक्ट से होता है टिल पैकेजिंग. एंड प्रोडक्ट की जो आपकी चेकिंग और उन बैचेस के जो डेटा होता है वो भी स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू कलेक्ट किया जाता है. देन फूड लास्ट वन फूड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस. जो मशीन्स हमारे पास फूड को प्रिपेयर करने के लिए मशीन इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं जो यूज होते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनकी मैनेजमेंट और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी जो है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट. तो ये सारा जो प्रोसेस है स्टैटिस्टिक्स का ये एक थ्रू प्रॉपर साइकिल चलता है. सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उस डेटा को जो है वो उसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है, देन उसको रिप्रेजेंट करके उसकी एक समरी प्रेजेंट की जाती है. अब मारिया जो है आपको मेथड कंटिन्यू करेगी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मारिया कलीम है और मैं इस प्रेजेंटेशन को मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कंटिन्यू करूंगी. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मेथड यूज होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी करेक्टरिस्टिक या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू. डेटा जब भी कलेक्ट किया जाता है रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और डेटा की दो टाइप्स होती हैं. एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम पर्सनली खुद कलेक्ट करते हैं जिसे हम फर्स्ट हैंडेड डेटा भी कहते हैं. और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से कलेक्टेड होता है और उस पर फर्दर रिसर्च और एनालिसिस के लिए उसको भेजा जाता है. नेक्स्ट. हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है राइस इंपोर्ट की. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रॉ डाटा है, ठीक है. यहाँ पर कंट्री भी मेंशन है, ईयर भी मेंशन है और क्वांटिटी भी मेंशन है कि कितनी क्वांटिटी की. मगर हमें ये नहीं पता कि 1961 में अफगानिस्तान ने कितनी बार जो है वो राइस इंपोर्ट की. ये अभी रॉ फॉर्म में, ठीक है. इसके बाद जो मेथड अप्लाई होता है नेक्स्ट वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद होता है. यानी कि जो रॉ डाटा हमारे पास होता है हम उसको एक अंडरस्टैंडेबल और प्रेजेंटेबल वे के अंदर जो है उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए. तो इस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें कंट्री भी मेंशन है, ईयर भी मेंशन है और क्वांटिटी भी मेंशन है. मगर हमें इसमें समझना इसलिए आसान हो गया कि 1961 में क्या अफगानिस्तान ने कब कब किया, 1962 में कब कब किया और 1963 में कब किया और कितना किया, ठीक है. और ये मेथड हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि बाकी के जो ये मेथड इसलिए हम करते हैं ताकि इसके ऊपर फर्दर स्टैटिस्टिक्स जो है बाकी के फर्दर स्टैटिस्टिकल मेथड भी अप्लाई किए जा सके. और बाकी फर्दर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को प्रेजेंट करेंगी लारिफ फजल. अस्सलाम वालेकुम. मैं लारिफ फजल हूँ. मैं फर्दर एक्सप्लेन करने वाली हूँ एनालिसिस ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस पॉपुलेशन, वेरियंस सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल. अब इनका क्या काम है प्राइस के इम्पोर्ट में? राइस के इम्पोर्ट में इनका ये काम है कि हाइपोथेटिकली एक कंट्री हम लोगों ने ले ली अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में एक साल में 3 बार चावल इम्पोर्ट किए गए हैं. हाइपोथेटिकली मैं बता रही हूँ कि 3 साल में 1 बार 3 किलो, 1 बार 5 किलो, 1 बार 10 किलो मंगाए गए. अब उसका मीन हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि सारे डेटा को आपस में प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ इम्पोर्ट से उसको डिवाइड करेंगे तो मीन मालूम हो जाएगा. इस मीन मालूम करने से हमें क्या पता चलेगा कि अगर अफगानिस्तान में 1 बार 10 किलो चावल मंगाए गए हैं तो उनको जरूरत कितनी पड़ती है.
अगर इसका मीन निकल रहा है 8 kg, तो हम लोगों को पता चलेगा कि इसका मीन ये हो सकता है कि अफगानिस्तान में इसकी नीड 8 kg तक हो सकती है। मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। मीन में क्या किया जाता है कि सम ऑफ ऑल डेटा को नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया जाता है, जबकि मीडियन में सेंट्रल मोस्ट वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। मोड वो वैल्यू होती है जो मोस्टली ज्यादातर अकर होती है। वेरियंस पॉपुलेशन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए कि एक डेटा दूसरे से किस तरह डिस्पर्स कर रहा है या डिस्पेंस हो रहा है। जैसे कि अगर अफगानिस्तान में 3 बार राइस इंपोर्ट किए गए हैं तो उनकी 3 अलग अलग वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर डेटा में दिखाई गई हैं। 1961 में 3000 टन और केजी, 1962 में 3620 टॉन्स और केजी, 1963 में 7415 टॉन्स और केजी। ये किस तरह से डिस्पर्स कर रहा है, पहले डेटा को दूसरे डेटा से माइनस करके इसकी डिस्पर्जन निकाली जा सकती है। इसके लिए पूरा अपना ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसमें वेरिएंस पॉपुलेशन का फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमें एक चीज की डिस्पर्जन मालूम करनी होती है, और वेरिएंस सैंपल का फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हम लोगों को एक से ज्यादा या ग्रुप की वेरियंस मालूम करनी होती है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाते हैं हम तब जब हम लोगों को एक या एक से ज्यादा ग्रुप्स की डिस्पर्जन मालूम करनी होती है। इसके आगे फर्दर एनालिसिस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सैयदा महलिका को, जो आपको इंटरप्रिटेशन करके बताएंगी। महलिका जरा जोर से, आवाज नहीं आ रही। Assalamualaikum, this is Malika Habib. ऊपर जो लारिफ फजल ने डेटा की एनालिसिस बताई थी, इंटरप्रिटेशन उसी सारी डेटा की एनालिसिस का रिव्यू है, और कोरिलेशन दो जो हमारे पास वेरिएबल होंगे उनके बीच में जो स्ट्रेंथ या बॉन्ड होगी वो रिलेशन को डिपेंड करता है। जैसे आपने ऊपर राइस की एग्जांपल देखी थी, जैसे हमने ऊपर राइस की एग्जांपल देखी थी कि 1961 में कितना राइस इंपोर्ट हुआ और 1962 में कितना राइस इंपोर्ट हुआ, तो इन दोनों के हमने बीच का रिलेशन निकाला तो हमारे पास हमारा कोरिलेशन कितना आया, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो कोरिलेशन है। इससे हमें कोरिलेशन के थ्रू पता चलता है कि हमने कितना डेटा इम्पोर्ट किया। और जैसे हमने वो स्लाइड वापस ला दें प्लीज, तो जैसे हमें देखा गया कि यहाँ पे हमने हर साल के अलग अलग रिलेशन कोरिलेशन निकाले हैं, उन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन मालूम करा है। अगर हमारे पास कोरिलेशन 0.7 तक है तो वो हमारे पास मॉडरेट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव, और अगर 0.4 से कम है तो वो हमारे पास जीरो कोरिलेशन भी आ सकता है या फिर वेरी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन आ सकता है। और अगर हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है तो मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी एक बार जो अगर इंपोर्ट बढ़ गई है तो दूसरी बार इंपोर्ट कम हुई है, तो ये हमारा पूरा शो करता है। तो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम डेटा को ग्राफ्स या चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा और उससे ज़्यादा मतलब पढ़ने में और देखने में आसानी होगी। मतलब इंसान अगर किसी ग्राफ को देखे तो उसे सीधा समझ आ जाए कि कौन से साल कितनी इम्पोर्ट हुई है, कौन से साल कम इम्पोर्ट हुई है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा इम्पोर्टेशन हुई है और कौन सी कंट्री में कम हुई है। ग्राफ से हमें ये भी मदद मिलता है कि हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारी इम्पोर्टेशन किसी कंट्री में बढ़ रही है तो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल या आने वाले कुछ सालों में वो बढ़ सकती है। जैसे हमारे फूड इंडस्ट्रीज में अलग एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे लेज की चिप्स आ गई, अगर लेज की चिप्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मतलब उसका सेल भी बढ़ रहा है। तो हम ग्राफ के थ्रू अगर देखें कि पर ईयर अगर उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मतलब लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, मार्केट्स में ज़्यादा जा रही है और ज़्यादा वो ज़्यादा उसकी कंजप्शन हो रही है, तो हम अगले साल भी ज़्यादा ही प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे माइंड में होगा कि अगले साल अगर हम थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लॉस में नहीं जाएंगे। कोई और प्रोडक्ट अगर हमारा नहीं चल रहा है, जैसे कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा, हम देख रहे हैं कि हमें लॉस में जा रहे हैं, हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो हम अगले साल उसकी प्रोडक्शन या तो कम कर देंगे या तो बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा है तो हम लॉस में जाना तो प्रेफर नहीं करेंगे।
के, जैसे इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है ऑरेंज में अफगानिस्तान में 1963 में कितना इम्पोर्ट हुआ और 1961 में कितना इम्पोर्ट हुआ वो ब्लू शो कर रहा है, ग्रीन शो कर रहा है 1962 में कितना इम्पोर्ट हुआ। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये कंपोनेंट बार डायग्राम है, ये मल्टीपल बार डायग्राम है, और तो इससे हमें शो हो रहा है कि कितना राइस इंपोर्ट हुआ, कौन कौन से साल में, कहाँ ज़्यादा हुआ, कहाँ कम हुआ, तो ये सारी बातें हमें थ्रू बार डायग्राम्स पता चल जाती हैं। थैंक यू सो मच। हो गई क्या किया आप लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में? बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। हेलो, थैंक यू सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई आप लोगों ने, मेहनत की इस पे, ठीक है। और एक जो वे था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, ये भाई अथॉरिटी मुझे वापस कर दें, मेरी सीट मुझे वापस दे दें। अफसा, मारिया, मालिका और चौथे कौन थी? लारेब। हाँ, बहुत अच्छी मेहनत की, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों की प्रेजेंटेशन देख के, मज़ा भी आया सुनने में, नॉलेजेबल भी थी, और आप लोगों ने इस पर वाकई बहुत मेहनत की है। और मैं बाकियों से भी कहूँगा कि कुछ इस तरह की वे हो कि उस, देखें प्रेजेंटेशन लोगों ने ऐसी बनाई कि इन्होंने बयान ज़्यादा किया, मीन्स टेक्स्ट को नहीं थोपा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छा, इनका जो है ना एक एक चीज, मतलब इस स्लाइड के बाद इन्हें पता है ये स्लाइड आएगी, उस स्लाइड के बाद इन्हें प्रैक्टिस, मतलब यू डू प्रैक्टिसेस, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की है। तीसरा, आपका एक क्या कहते हैं, स्मूथ था, यानी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही थी, एक स्लाइड दूसरे को रिप्रेजेंट करी थी। अच्छी प्रेजेंटेशन लगी मुझे, आप लोगों की अच्छी मेहनत थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि ये जो फूड साइंस वाले बच्चे हैं, खासतौर पर आप लोगों ने वाकई थोड़े टाइम में बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग आप लोगों की बहुत अच्छी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका क्या नाम है, बायोलॉजी का बैकग्राउंड था। जब मैं पहले दिन लेक्चर लेने आया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर तारिक जावेद साहब, उन्होंने कहा सर ज़रा बच्चों पर हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि इनका बैकग्राउंड उसका नहीं है, मैथमेटिक्स का नहीं है। लेकिन वाकई आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, आप सब ने वाकई मेहनत की, कोई ऐसा एक इवन एक स्टूडेंट भी नहीं है जिसके बारे में कह सकूं कि भाई स्टैटिस्टिक्स पे उसने ग्रिप नहीं की है। तो ये प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी आप लोगों की। बाकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस के बारे में कौन कौन अवेलेबल है मुझे बता दे ताकि हम उसकी एक और प्रेजेंटेशन ले लें। और एक जो है ना, एक सेशन मैं चाह रहा हूं कि आपका मिनी टैब पे रखूं ताकि वो आप लोग प्रैक्टिस करें कि डेटा मैनिपुलेशन कैसे करनी है। अच्छा, हफ्सा इफ्तखार, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ये जो ये ग्रुप था, क्या नाम है, लारे, फजल, हफ्सा इफ्तखार, ये आप लोगों को ना अगर कोशिश करके इसमें रिग्रेशन भी डाल देते कि इससे हम फर्दर, जैसे आप उसमें थे ना 1961, 1962, 1963 पे आपको डाटा मिला, तो अब आपसे कोई कह रहा है कि इससे लीनियर, मतलब लीनियर इक्वेशन निकाल के इससे आप जो है 1972 का डाटा प्रिडिक्ट करें, फोरकास्ट करें कि 1972 में राइस की एक्सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान में कम होगी या बढ़ेगी, तो यहाँ पता चलता है आपको, यानी ये वो एप्लीकेशन है रिग्रेशन की जहाँ से आपको पता चलेगा कि अगले 8 सालों के बाद हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट है टू द पर्टिकुलर कंट्री वो कहाँ जा रही है, फॉल की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, अगर वो तो जा रही है कम की तरफ तो आप चावल को वहाँ भेजना खत्म कर देंगे क्योंकि आप खामखा पैसा तो नहीं झोंकेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का आपका फायदा होता है। तो फूड साइंस में एप्लीकेशन बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी आपने, एक तो एग्जाम्पल्स और भी दे देते इसके साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी एक्सप्लेनेशन देते, हाँ ये बता देते कि भाई एग्जाम्पल चावल के अंदर भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, पेस्ट्री के अंदर, बेकरी के अंदर इसकी क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, फिर कोई कॉन्टिनेंटल होटल्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो अपने आप को स्टैटिस्टिक्स, देखें आप अपना काम फर्ज किया, आप किसी पीसी होटल में गई, आपने कहा मैंने फूड साइंस के अंदर जो है वो बैचलर किया है, वो कहेंगे आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, आप उन्हें बताएंगे देखें आपके पास जितने भी खाने हैं उनकी हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कितना कि भाई किस किस में क्या क्या मसाला आ सकता है,
ये भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आपका जो जो कस्टमर आ रहा है या जो आपके इसके होटल के अंदर आ रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है पर्टिकुलर, ठीक है। वो तो आपको पता है ना, मॉड से पता चल जाएगा कि भैया बिरयानी ज़्यादा मांग रहे हैं लोग या आपका ऑर्डर किस चीज़ का ज़्यादा आ रहा है, क्या हम ये भी कर सकते हैं। फिर बैंक को कितना रेस्टोरेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी आपकी सेविंग हो रही है, ये भी फूड साइंस वाले कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई कंप्यूटर साइंस वाला थोड़ी चाहिए, ये तो आप लोगों को इस पर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी प्रेजेंटेशन थी, और नेक्स्ट जो है वो किसकी प्रेजेंटेशन होगी वो मुझे बता दें। सर जी, आमना जी, सर आपने कहा था कि आप वाइवा लेंगे, प्रेजेंटेशन मिस हो गई थी मेरी लाइफ में। हां आमना, टॉपिक क्या था सर? हमारा टॉपिक था सेंट्रल टेंडेंसी, और सर उसमें मीन, मीडियन एंड मॉड डिफाइन था, तो सर मेरी स्लाइड्स मीडियन को डिफाइन करने की थी। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इन्होंने तो खैर एग्जांपल दे दी फूड साइंस के हवाले से, रेस्टोरेंट में मीन, मीडियन, मॉड कैसे लगेगा? रेस्टोरेंट में मीन, मीडियन और मॉड कैसे लगेगा सर? एग्जांपल सर, मीन हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली हमारे पास एक डाटा आए और हमने उसका मीन निकाला। अब डाटा सर इस तरीके से हो सकता है कि रेस्टोरेंट में आज के लाइक एक दिन में उनकी लाइक कितनी सेल हुई है, कितनी इनकम हुई है, कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, तो उन सब का मतलब सर एक डाटा वो कलेक्ट कर लें कि लाइक इस जगह हमारा यहाँ ऑर्डर प्लेस हुआ या यहाँ ऑर्डर प्लेस हुआ या यहाँ से मतलब यहाँ ऑर्डर गया। सर अपने सारे ऑर्डर्स को उनका एक डाटा कलेक्ट करके फिर उसका मीन निकाला जाए, तो उस तरीके से निकाला जा सकता है। या सर कितनी इनकम हुई लाइक एक दिन में उस रेस्टोरेंट की कितनी इनकम हुई है सर, उसका हम डाटा निकाल सकते हैं, और सर उसमें हम मीन, मीडियन एंड मॉड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीडियन कैसे लगेगा सर? मीडियन कैसे लगेगा? सर मीडियन भाई रेस्टोरेंट है, उसके अंदर आपने कहीं मीडियन अप्लाई करना है, आपसे कहा जाए भी पूछा, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बारबेक्यू टुनाइट वाले हैं, या हमारे एक स्टूडेंट है वो बारबेक्यू टुनाइट में भी जॉब कर रहे हैं यहाँ ग्रेजुएट स्कूल के अंदर, तो बारबेक्यू टुनाइट है, या फर्ज किया वो आपका पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, बीबीक्यू टुनाइट वालों ने आपसे कहा कि भाई आप मुझे बताएं मीडियन का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे बारबेक्यू टुनाइट? सर मीडियन हम कहाँ यूज कर सकते हैं सर? सोचने दे मुझे, रुके। चले मॉड कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सर? मॉड बेसिकली हमने जो पढ़ा है दैट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, तो सर डाटा में सिंपल तरीके से सर मैं आपको आंसर दूंगी, हमारा जो लाइक मोस्ट रिपीटेड डाटा आ रही है, जो हमारे पास एक सेम वैल्यूज आ रही है किसी डाटा की, तो हम उसे मॉड कंसीडर कर लेंगे। क्या मतलब समझा नहीं मैं? सर फॉर एग्जांपल अब दिन में हमारे पास अगर 5 सेल्स लाइक 5 ऑर्डर्स गए हैं सर, ठीक है, ठीक है, और हम उन ऑर्डर्स की प्राइस चेक कर रहे हैं, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग उनको हम डाटा बना के डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सर अगर हम उसमें निकालने को कहा कि मॉड इनमें से कौन सा है लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हम ये देखेंगे कि अगर 2 ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब डिफरेंट प्राइस के गए हैं, बट 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें सर मतलब सिर्फ 0.5 या इस टाइप का गैप है, मतलब डिफरेंस है, लाइक 2 ऑर्डर्स आपके चले गए 5 to 10,000 के, और जो बाकी के 3 ऑर्डर्स हैं उनमें 4 या 4.5 या 4 इस टाइप का है, तो सर 4 हमारी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, हम उसको अपना मॉड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर ऑर्डर पे जो है मॉड के तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है इस चीज का। ठीक जी, ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। और नेक्स्ट कोई ग्रुप है प्रेजेंटेशन के लिए तो मैं 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद दोबारा उसको उसका लिंक भेज दूंगा, तो वो ग्रुप ऑनलाइन हो जाए। सर नहीं है मुनीबा की जी, उसने मना कर दिया था कि वो नहीं देगी आज, फिर कल रख लें इनका। जी सर, चले ठीक है, कल इन द मॉर्निंग कर लेंगे, और बाकी नंबर्स मैंने आप लोगों को बता दिए, और फाइनल में आप लोग मेहनत कीजिएगा, एक सेशन जो है वो मैं आप अच्छा एक अगर आप कर सकते हैं सारे मिलके काम, तो काइंडली आप 2 या 3 दिन के अंदर सारे मिलके जिन जिन का मिनी टैब इंस्टॉल नहीं हुआ
वो आपस में एक दूसरे से पूछ के मिनी टाइम इंस्टॉल कर ले, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दें कि भाई मेरे पास इंस्टॉल है, बाकी उनसे रापता कर ले, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे, ओके सर, ओके फिर इंशाल्लाह एक सेशन रखते हैं, उसमें आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मजा आएगा और हो सकता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सर।